करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। अब अपन क्वेरी जनरेट पे कर रहे हैं तो वाउचर एंट्री आप करेंगे, पेमेंट वाउचर में एक्सपेंसेस से नाम आ जाएगा, बाय में अल्टे प्लस सी से क्वेरी जनरेट का लेजर बना लेंगे। अंडर में आप इसको डाल देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव अमाउंट, और टू में आ जाएगा कैश, क्योंकि अपने पास से कैश जा रहा है। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलो, इतना ही तो मिला लीजिए बैलेंस ही। सबकी तैयारी आप दोनों सही आ रही है कि यही आ रही है? दोनों ने नहीं किया आपने? प्रॉफिट एंड लॉस और मिला लिया, यही आ रहा है आप लोगों को? कितना बैलेंस शीट भी आ रहा है? आपने कौन सी एंट्री नहीं, कौन सी एंट्री एक्स्ट्रा कर दी? चलिए एंट्री गलत निकाल लिया। देखिए, आप जब लोन की एंट्री करते हैं ना, आप उसमें तीन एंट्री कर दी थी, एक लोन लेने की, सेकंड उस पर इंटरेस्ट की, दो एंट्री तो अपन करते हैं, थर्ड एंट्री आप उस पर कर रही इंस्टॉलमेंट पे करने, क्योंकि अभी अपन एक इंस्टॉलमेंट तो पे कर देते हैं। जब आप किसी कंपनी जॉब करते हैं वहाँ पे तो आप 2 महीने में एक पे कर रही, मतलब एक साल में आप 6 पे कर रही, अभी आपको कितनी पे कर देना है उसमें? एक, जिससे आपके बैलेंस शीट अभी यहाँ पे सही आ जाएगी। ठीक है, अब इतना आप लोग निकाल रही। चल, हम आपको बता रहे थे अपन जब संपत्ति खरीदते हैं उस पर जो अपन डेब लगाते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक, अपन इसको यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं। आप यहाँ पे एक्सेल ओपन करें, आप देखते हैं आप जो संपत्ति खरीदते हैं, अगर आप संपत्ति नगद खरीदते हैं तो एंट्री आप करते हैं पेमेंट वाउचर में, उधार खरीदते हैं तो जनरल वाउचर में। अपन जब संपत्ति खरीद रहे हैं, अगर अभी आपने संपत्ति खरीदी है 75,000 की, तो अगर आप उसका यूज करने के बाद जब आप उसको सेल करेंगे, कोई भी पर्सन आपसे वो संपत्ति 75,000 में नहीं लेगा, कम मिलेगा, क्योंकि उसका जो लागत मूल्य है उसमें कमी आ जाएगी। उसको आप बोलते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास की डेफिनेशन होती है किसी भी स्थायी संपत्ति। अब उससे पहले स्थायी संपत्ति क्या होती है? स्थायी संपत्ति आपकी होती है ऐसी संपत्ति जिसका यूज आप अपने बिजनेस के पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, और वो संपत्ति जिसका यूज अपन लंबे टाइम तक करेंगे वो होती है स्थायी संपत्ति, इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। अब मूल्यह्रास होता है स्थायी संपत्ति का निरंतर प्रयोग करने से उसके लागत मूल्य में किसी भी कारणवश आई हुई कमी को आप मूल्यह्रास बोलते हैं। फिर वो कमी किसी भी कारण से आई हो, अब जैसे कि आपने अपने बिजनेस में 75,000 का फर्नीचर खरीद लिया, अब आप उसका यूज नहीं कर रहे, आपने उसको 2 महीने तक वहीं पे रखा रहने दिया, तब भी जब आप उसको 2 महीने बाद सेल करेंगे कोई भी पर्सन आपसे 75,000 नहीं लेगा, क्योंकि उसके मूल्य में कमी आ जाएगी, वो होता है मूल्यह्रास। अपन यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। पहले आप यहाँ पे डालते हैं सॉफ्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो आप बोलते हैं हिंदी में लागत मूल्य। अब संपत्ति का लागत मूल्य कितना है? अपन ने मान लिया यहाँ पे 75,000। फिर अब आपको यहाँ पे लिखना है गारंटी वारंटी, कितने टाइम की अपन को गारंटी वारंटी मिल रही है इस संपत्ति में। अपन ने मान लिया 3 साल गारंटी वारंटी मिली है इस फर्नीचर पे 3 साल। फिर यहाँ पे आप लिखते हैं RV। RV का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट मूल्य। अभी अवशिष्ट मूल्य क्या होता है? आप जो संपत्ति अभी 75,000 में खरीद रहे हैं, ठीक है, 75,000 में अपन ले रहे हैं, इस पर गारंटी वारंटी है 3 साल। 3 साल बाद ये फर्नीचर आपका कितने में चला जाएगा, वो हो जाएगी इसकी रेसिडुअल वैल्यू, अवशिष्ट मूल्य। जैसे अभी इसका लागत मूल्य है 75,000, गारंटी वारंटी है 3 साल। 3 साल बाद ये फर्नीचर अपन ने मान लिया अपने 30,000 में जा सकता है, ये क्या हो जाएगा इसका अवशिष्ट मूल्य, रेसिडुअल वैल्यू। फिर यहाँ पे आप निकाल लेते हैं डेप। अब आप डेप कितने अमाउंट पे लगाएंगे? मूल्यह्रास को अपन इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक, अब आप डेप कितने पे लगाएंगे? डेप आप लगाते हैं
कॉस्ट प्राइस और रेसिडुअल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस रहता है उस पर, मतलब आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं कॉस्ट प्राइस था सेल एड्रेस, लागत मूल्य कितना था इसका 75,000, माइनस कर देंगे रेसिडुअल वैल्यू अवशिष्ट मूल्य, एंटर करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा 45,000। अब आप डेट कितने पे लाएंगे 45,000, मतलब कॉस्ट प्राइस में से रेसिडुअल वैल्यू माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है डेट अपन लगाते हैं उस पर, क्लियर है। अब आपको इतना पता है डेप आप कितने में लाएंगे 45,000। अब इस पे एक साल में कितना डेप लगेगा तो यहाँ पे आप निकाल लेते हैं पर ईयर डेप। पर ईयर डेप निकालने के लिए आप यहाँ पे इक्वल लाएंगे डेप कितने में लाएंगे अपन 45,000, इसका आप सेल एड्रेस लेंगे और डिवाइड कर देंगे गारंटी वारंटी, एंटर करेंगे पर ईयर डेप का अमाउंट आएगा 15,000। एक साल में कितना डेप लग रहा है 15,000। अब आपको निकालना है पर मंथ डेप, इस संपत्ति पे एक महीने में कितना डेप लगेगा तो यहाँ पे आप निकाल लेते हैं पर मंथ डेप। पर मंथ डेप निकालने के लिए आप इक्वल लगाते हैं, आपको पर ईयर डेप पता इस साल में कितना डेप लग रहा है 15,000, आप पर ईयर डेप का सेल एड्रेस लेंगे और डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में लग रहा है 15,000 तो आप एक साल का डेप सेल एड्रेस लेके उसमें डिवाइड कर देंगे 12 का, एंटर करेंगे अमाउंट आएगा 1250। अब एक महीने में कितना डेप लगेगा 1250। अब आपको निकालना है इस संपत्ति पे एक दिन में कितना डेप लगेगा, अपन ने यहाँ पे लिख लिया पर डे डेप, इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर डेप का सेल एड्रेस लेंगे, इसमें आप डिवाइड कर देंगे 365 का, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं तो आप डिवाइड कर देंगे 365 का, एंटर करेंगे तो अब पर डे का डेप अमाउंट कितना आ रहा है 41। अपन इसमें डेसिमल की बाकी वैल्यू हटा देते ठीक। अब इस पर डेप कितना लगेगा 41, इतना निकाल लेंगे। अब आपको इतना पता है इस संपत्ति में एक साल में डेप लग रहा है 15,000, लेकिन अपन को ये नहीं पता इस पर कितने परसेंट डेप लग रहा है, एक साल में इस पर कितने परसेंट डेप लग रहा है, अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं परसेंट, जिससे अपन को पता चल जाए इस संपत्ति में एक साल में कितने परसेंट डेप लग रहा है। उसके लिए पहले आप यहाँ पे परसेंट का साइन लेंगे, फिर आप इक्वल लगाते हैं और 1 का डिवाइड कर देंगे गारंटी वारंटी, 1 का डिवाइड करेंगे गारंटी वारंटी, एंटर करेंगे परसेंट आएगा 33%, एक साल में कितने परसेंट लग रहा है 33%। अब आपने देखा था अभी अपन ने अमाउंट कैसे निकाला था गारंटी वारंटी की हेल्प से निकाला था, तो कितना डेप लग रहा है 15,000। आपको चेक करना है क्या इस पे 15,000 ही डेप लग रहा है, क्योंकि अपन ने परसेंट कितना निकाला 33%। तो आप यहाँ पे इक्वल डेप का सेल एड्रेस लेंगे, अभी तक अपन निकाल रहे थे गारंटी वारंटी के हिसाब से, तब आप इसमें क्या करते थे डिवाइड कर देते। अब आपको निकालना है परसेंट की हेल्प से, तो आप क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट, अगर गारंटी वारंटी की हेल्प से आप निकाल रहे हैं तो डिवाइड कर देना, परसेंट की हेल्प से निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई, एंटर करेंगे अमाउंट एक ही सेम आ रहा है 15,000 ही डेप लग रहा है, मतलब इस पर 33% डेप एक साल में लग रहा है। अब आपने यहाँ पे निकाल लिया एक साल का डेप, एक महीने का और एक दिन का, अब आप इस पर डेप कितने दिन का है कितने महीने का लाएंगे, अपन इस पर डेप लगाते हैं जितने टाइम तक अपन उस संपत्ति का यूज कर रहे हैं, जितने टाइम तक आप उस असेट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं पहले यूज मंथ, जैसे माना आपने उस संपत्ति को 1 जनवरी 2023 को खरीदा था ठीक, 1 जनवरी को अपन ने खरीद लिया, अपन ने उसको 1 अक्टूबर 2023 को सेल कर दिया, सेल कब कर रहे हैं अपन उसको 1 अक्टूबर 2023 को, मतलब आपने उसका कितने महीने यूज किया 9 महीने, ये क्योंकि अपन ने उसको जनवरी में खरीदा था और 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर 9 महीने हो जाए, अक्टूबर तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अपन 1 अक्टूबर से तो उसको सेल कर रहे हैं, तो कितने दिन सॉरी कितने महीने डेप लाएंगे 9 महीने ठीक। अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 9, कितने मंथ अपन ने ऐसा यूज किया है 9 मंथ का। अब आप यहाँ निकालते हैं यूज मंथ डेप, अपन ने इसको 1 जनवरी को खरीद लिया और 1 अक्टूबर को अपन इसको बेच रहे हैं, तो कितने महीने होगा 9 महीने, अपन इस पे डेप कितने महीने का लाएंगे 9 महीने। अब आपको पता है एक महीने का डेप का अमाउंट कितना है 1250,
इसमें यूज मंथ डेट का टोटल डेट का अमाउंट कितना आ जाएगा? तो आप इक्वल